एक ऐसा मिशन जिसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया, जो आज इतनी दूर जा चुका है कि उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर मिशन की। वॉयेजर ही ऐसा मिशन है जिसने हमें एहसास कराया कि हमारी औकात इस अनंत ब्रह्मांड में कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। अगर कभी हमारे साथ कुछ हो भी गया तो इस समूचे ब्रह्मांड में ऐसी जगह नहीं जहाँ से हमें कोई बचाने आएगा। वॉयेजर दो मिशन थे जिन्हें नासा ने भेजा था। आज दोनों वॉयेजर इंटरस्टेलर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आपके जहन में एक सवाल हमेशा आता होगा कि इंटरस्टेलर के बाद अब क्या, यानी वॉयेजर अब कहाँ जाने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉयेजर मिशन आज तक के सबसे सक्सेसफुल स्पेस मिशन में शुमार है। 41 साल से सोलर सिस्टम का सफर करने के बाद 10 दिसंबर 2018 को नासा ने कंफर्म कर दिया कि वॉयेजर मिशन के दोनों स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर में पहुंच चुके हैं। जहां वॉयेजर 1 ने मार्च 2013 में इंटरस्टेलर में प्रवेश किया, वहीं वॉयेजर 2 ने 2018 में। लेकिन सवाल है कि वॉयेजर की मंजिल अब कहां है। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 के आसपास ये देखा गया कि उसके चारों ओर मौजूद सूर्य की सोलर विंड के पार्टिकल्स की कमी हो रही थी, और उसी समय ये भी देखा गया कि वॉयेजर 1 के ऊपर से सूर्य की छत्र छाया लगभग हट चुकी थी। 10 दिसंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने पूरी तरह से सोलर सिस्टम का साथ छोड़ दिया था। सूर्य से 11 अरब मील दूर जाने के बाद भी ये दूरी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की इस ब्रह्मांड में एक छोटे से कदम के बराबर है। सौर मंडल का साथ तो इन दोनों ने कब का छोड़ दिया, पर सूर्य की ग्रेविटी इतनी जल्दी इन दोनों का साथ नहीं छोड़ने वाली। जब 4.5 अरब साल बाद हमारे सोलर सिस्टम का अंत होगा, तब अगर वॉयेजर में रखे गए गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन को मिलेंगे, तो उस एलियन सिविलाइजेशन को पता चलेगा कि सोलर सिस्टम में रहने वाले जीव कितने इंटेलिजेंट थे। वैसे तो धरती से रात के समय आसमान भरा भरा लगता है, पर असल में तारों के बीच की दूरी हजारों लाइट ईयर्स होती है और ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा खाली है। इसी वजह से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे, पर कई साल बाद उनकी मुलाकात ब्रह्मांड की दूसरी चीजों से होगी। पहले बात करते हैं कि वॉयेजर 1 अब कहां जाने वाला है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुए वॉयेजर ने 1979 में जुपिटर से मुलाकात की और 1980 में सैटर्न प्लेनेट का दीदार कर वो उसे छोड़कर चला गया। पर जुपिटर और शनि ग्रह के पास से गुजरते वक्त वॉयेजर ने इन दोनों ग्रहों के मून्स की काफी डिटेल कलेक्ट की और पिक्चर के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। यही नहीं, वॉयेजर ने शनि ग्रह के रिंग्स की भी डिटेल्ड पिक्चर्स क्लिक कर नासा को दी। अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो वो वॉयेजर के कैमरे से ली गई थी, जिसका नाम है पेल ब्लू डॉट, जो हमारी पृथ्वी की पिक्चर है, जिसे 14 फरवरी 1990 को वैज्ञानिक कार्ल सैगन के कहने पर लिया गया। 56,327 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रहा वॉयेजर 1 यान 2013 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ और पहली बार कोई मानव निर्मित चीज इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंची। सन 40,272 में वॉयेजर यान ग्लीस 445 नाम के स्टार से 1.7 लाइट ईयर्स दूर होगा। 56,000 साल में वॉयेजर 1 ओल्ड क्लाउड के प्रकोप से बाहर होगा। उसके बाद 5,70,000 साल बाद ये यान GJ686 और GJ67 स्टार के पास पहुंचेगा, जो कि सूर्य से लगभग 28 लाइट ईयर्स दूर है। वहीं अब बात करते हैं वॉयेजर 2 की। 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुआ ये यान जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी प्लैनेट की सैर कर 55,522 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे तारे के पास से गुजरने की योजना में है। अगले 40,000 साल बाद ये रॉस 248 नाम के तारे की 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा और अल्फा सेंटोरी से 3.02 लाइट ईयर्स दूर होगा। 61,000 साल बाद ये यान ओल्ड क्लाउड को पूरी तरह से छोड़ चुका होगा, जिसका अंत सूर्य से 3.0 लाइट ईयर्स की दूरी पर होता है। उसके बाद 2,98,000 साल बाद वॉयेजर 2 सीरियस स्टार से सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर होगा और लगभग 4,00,000 साल बाद ये यान डेल्टा PAV और GJ754 नाम के तारे का दीदार करेगा। अगर वॉयेजर इसी तरह सफर करते रहे तो कई अन्य तारों पर भी जा सकेंगे,
लेकिन वाइजर किसी स्टार सिस्टम में गलती से भी दाखिल हुआ और उसका सोलर पैनल खराब हो गया तो वाइजर स्पेसक्राफ्ट उस स्टार सिस्टम के तारे का चक्कर लगाने लगेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि काइपर बेल्ट की खोज कब और किसने की, साथ ही इसमें कितने बौनी ग्रह हैं यानी ड्वार्फ प्लेनेट। तो इसका सही जवाब है कि काइपर बेल्ट की खोज 1950 में डच वैज्ञानिक जैन ओल्ट द्वारा की गई और इसमें तीन ड्वार्फ प्लेनेट आते हैं जिनके नाम प्लूटो, होमिया और माके है। अब आपके लिए एक सवाल, हम जानते हैं कि वाइजर यान में ऐसी डिस्क रखी गई है जिसमें हमारी सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसी तरह से ये रिकॉर्ड और कौन कौन से यान में रखे गए, हमें कमेंट कर इसका जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।